हिंसा पर सरकार की चुप्पी उनके लिए बड़े परेशानी का कारण बनती जा रही है। क्या विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर कर दिया है? क्या मणिपुर की हिंसा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती? क्या इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर सत्ता को जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के भीतर गर्मा गर्म बहस हो रही है। संसद के भीतर वो तमाम बड़े विपक्षी नेता सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कई गंभीर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इन सवालों से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के इस बड़े हंगामे के बाद आखिरकार यह आश्वासन के तौर पर बातें तो जरूर कही गई कि 7 या 8 अगस्त को जो है इस पर संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जवाब दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ये डांट फटकार लगाई गई है और ये DIG तक को कहा गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है, क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्या वहां पर इस ढंग से सरकार का जो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए वो पूरे ढंग से सिरे से खारिज हो चुका है। वहां के मुख्यमंत्री एन ब्रेन सिंह को लेकर के भी कई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ही इस ढंग से आएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहां की स्थिति है वो कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब आपको विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बयान को सुनवाते हैं और उससे आप कम से कम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को कितनी मजबूत ढंग से पकड़े हुआ है और इस पूरे मानसून सत्र में सत्ता को कहीं ना कहीं इस पर जवाब देने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस पर कांग्रेस का पक्ष सुनिए कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो दरअसल क्या कह रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 संसदों लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहब खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताई, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो मेती हो हर समुदाय की जो नेतागण है ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। तो आपने सुना, लगातार इंडिया गठबंधन के गठन होने के बाद से ही विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये तमाम बड़े चेहरे एक जो है सुर में जो है इस पूरे मामले पर जो है खड़े हो गए एक साथ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी
तेज कर दी है। अब इस पर सरकार का जो पक्ष है, सरकार जिस ढंग से इस पर कहीं ना कहीं ये कह रही है कि विपक्ष मात्र इस पर राजनीति कर रहा है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और प्रदेश की जो एक तरीके से स्थिति बनी हुई है उस पर गंभीरता से विचार चिंतन मंथन करने की जरूरत है, न कि राजनीति करने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर वहां पर आपकी सरकार है, बीजेपी बहुमत की सरकार वहां पर बनाई थी, केंद्र में आपकी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सवाल आपसे तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन आपको एक बार ये भी पक्ष जरूर सुन लेना चाहिए कि दरअसल सरकार के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, वो इस पर किस तरीके से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं और सवालों से बचने का जो है भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो सुनिए इस पूरे बयान में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृहमंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। आपके तीन प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं बल्कि उनकी माता जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्न था लाल डायरी पर। मैं स्तब्ध हूं ये जानते हुए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है, दूसरा डायरी लाल हो पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त है कांग्रेस के काले कारनामे। मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह इजाजत नहीं देता
कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। ये भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। हाल ही का जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, वो गठबंधन इतना अनोखा कि अब कोई चारा खाता है कोई गोबर। तो ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हमने सुना था पहले शराब में घोटाला करते हैं, अब गोबर में भी करने लगे। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रिविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है, मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रिविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है? ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृहमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है, ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। तो आपने सुना, अब इससे आपको ये बेहतर तौर पर अंदाजा लग गया होगा कि दरअसल इस समय इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देने के बजाय यहाँ पर गोल मोल बातों को घुमा रहा है। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस ढंग से जो है उछाला है संसद के भीतर, जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए कई बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।